पत्तन छत्तीसगढ़ की खबर मन कोती छत्तीसगढ़ में आरक्षण लेके मचो घमासान के बीच अपन बयान मन पर चर्चित कांग्रेस के आदिवासी विधायक बृहस्पति सिंह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ऊपर निशाना साधी साबे वहा कही के भाजपा के आका मोहन भागवत देश में आरक्षण खत्म करना चाहते भाजपा के विधायक मन छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति विधेयक पारित करा ली लेकिन अब महामहिम ऊपर हस्ताक्षर नहीं करे के दबाव बना था वे बृहस्पति सिंह का कही के कर्नाटक तमिलनाडु झारखंड में 50% ले ज्यादा आरक्षण मिले है एक सेती छत्तीसगढ़ में घलोक जनसंख्या के हिसाब ले आरक्षण मिलना चाहिए। दरअसल संघ और एक बड़ा वर्ग के मानना हरे की आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। आजादी के बाद जब देश में आरक्षण व्यवस्था लागू करेगी रिसावे तब ये समिति समय पर रहीस लेकिन बाद में समय सीमा बढ़त गीस और एकरे संग आरक्षण के प्रतिशत गलोक बढ़त गीस समय समय में संघ के पुनर्विचार के राय बाहर आत रिसावे इलाले के होकर आलोचना होत रहीस। बहरहाल छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसला सुप्रीम कोर्ट में है एकरे संग विधेयक ऊपर राज्यपाल आ कुछ शंका जाहिर करी से जेकर सेती समाधान ऊपर विधिक राय लेके एकर ऊपर हस्ताक्षर के बात कही से वैसन गलोक राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन गए एक सेती आरोप प्रत्यारोप तो चलत ही रही। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के आका हैं मोहन भागवत जी आरएसएस वो लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के एक ही बात बोल रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए पूरे देश में आरक्षण सभी वर्गों का समाप्त करना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये महामहिम राज्यपाल महोदया और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के दबाव में आकर ये नहीं हस्ताक्षर कर पा रही हैं इनकी मजबूरियां हैं लेकिन किसी भी कीमत पे आरक्षण जो अधिकार है संवैधानिक अधिकार है आरक्षित वर्ग चाहे एससी हो एसटी हो ओबीसी हो इनको हर हालत में मिलेगा और छत्तीसगढ़ की विशेष सत्र बुला के छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारित करा लिया है। जहाँ तक 50% से अधिक आरक्षण की बातें हैं कर्नाटका में आप देख लीजिए तमिलनाडु में देख लीजिए 69% आरक्षण है कर्नाटक में भी 50% से अधिक है झारखंड में भी 50% से अधिक है जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनके आरक्षण मिलना चाहिए। और इस तरह से कृत्य करके भारतीय जनता पार्टी ने सदन में तो सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कराया और उधर राज्यपाल को गुमराह करके हस्ताक्षर करने से मना करा रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों की नियुक्तियां एडमिशन पढ़ाई सभी प्रभावित हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सज्जन और शांत स्वभाव के होते हैं लेकिन उनका अपने अधिकार के प्रति सचेत होते हैं और एक कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच रायपुर में बड़का खबर आप दिखा दें।